गुंजन सक्सेना जैसी महिलाओं को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि भारत में ज़्यादातर महिलाएं जो है ना वो एक एंकर के रूप में नज़र आती हैं। जी हाँ, गृहिणियाँ जो अपने परिवार को संजो कर रखती हैं, लेकिन गृहिणियों के भी और महिलाओं के भी ना अलग अलग रूप होते हैं। हर रूप में महिला जो है वो उभर कर सामने आती है। अब बात करते हैं एक ऐसी महिला की जो अनुपमा की लाइफ में ढेर सारे दुख तो लाई है, लेकिन इनकी अपनी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। हम बात कर रहे हैं काव्या की, जिनके एक्स हस्बैंड अब सीरियल में एंट्री ले चुके हैं। काव्या की हकीकत। एक ओर तो वो अपने पति को दोस्त समझती है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे के पति को अपना बनाना चाहती है। अब कुछ ऐसी ही तो है काव्या की फितरत, जो एक ओर वनराज को अपना बनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर अपने पति से भी वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती है। पति वो और उसका वो, ये मेरे वो हैं अनिरुद्ध। मैं मतलब पर्पसली कोई तूफान मचाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपनी एक्स वाइफ का प्यार फिर से कायम करना चाहता हूँ, जो कि आजकल इन पे बहुत न्यौछावर हो रही हैं और यू नो बहुत ज़्यादा ड्रॉन है इनकी तरफ। तो वैसे कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है मेरा वनराज के साथ। माय ओनली इश्यू इज़ कि ये मेरी वाइफ को, मेरी एक्स वाइफ को ना ही छेड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि मेरे चांसेस हैं, बस वही मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी काव्या ऐसे ही थोड़े खुद को इंडिपेंडेंट वुमेन कहती है। वो जानती है कि उसके आगे पीछे घूमने वालों को कैसे नचाना चाहिए। वेल, काव्या खेल रही है फिलहाल, क्योंकि पहले वनराज काफी खेलता रहा, तो इस बार अब काव्या खेलेगी और वो ये खेल को अभी रिवील नहीं करना चाहेगी, तो शी इज गोना टेक इट स्लो एंड स्टेडी। इमोशंस भारी पड़ चुके हैं। बहुत भारी पड़ चुके हैं, इतना भारी पड़ा था कि मुझे अपने घर का फंक्शन छोड़ के इनके घर जाना पड़ा था पूछने के लिए कि ये चल क्या रहा है। और उसमें भी ऐसा होता है कि ये मुझसे मेरी इकलौती जो चीज़ होती है वो भी छीन लेती है, वो आपको एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा कि ये क्या करती है। एक काव्या की नीस आने वाली है और उसे रहने के लिए घर चाहिए। अब काव्या उसे अपने घर पर रख नहीं सकती है, क्योंकि अगर वो काव्या के घर रहेगी तो वनराज काव्या के घर नहीं जा पाएगा। फिर क्या, वनराज के पड़ोसी का घर खाली था, वो घर उसने अरेंज कर दिया काव्या के नीस के लिए। घर मिल गया। घर मिल गया के सामने पटेल जी का घर खाली पड़ा हुआ, वो अपने बेटे और बहू के पास लंदन शिफ्ट हो गए, उनको घर वैसे भी रेंट पे था और चाबी हमारे घर में पड़ी है। तुम्हारे घर के ऑपोजिट? हां। और अब जरा देखिए, अनुपमा की स्कूल की सहेली घर पर आई है मिलने के लिए। उसने जब वनराज को देखा तो भाई उस पर लट्टू हो पड़ी। उसे लग रहा है कि वाव, वनराज कितना हैंडसम है, अनुपमा तुम तो कितनी लकी हो। लेकिन वो नहीं जानती है कि कुछ कुछ वनराज भी उसी के पति की तरह है। अनु ना, आपके अलावा ना और कोई बात ही नहीं करती। अब पता चला आपको देखकर कि क्यों अनुरा बहुत लकी है कि उसे आपकी जैसा केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग और लॉयल हस्बैंड मिला है। काश मैं भी अनु की तरह लकी होती। जहाँ तक मेरा कैरेक्टर का सवाल है, बहुत बचपन के फ्रेंड्स रह चुके हैं, यू नो, सो शी नोज़ व्हाट अनुपमा इज रियली। तो जैसे कहते हैं, शादी के बाद लोग थोड़ा बदल जाते हैं, सिचुएशन को मैनेज कर लेते हैं। सो आई कम एज अ लाइफ वायर टू रीचेक उसका एक बचपन का, कि हाँ मैं ऐसी भी थी या मैं वैसी थी। सो उसके लिए मैं आती जाती रहूँगी। एंड फॉर द एंटरटेनमेंट पार्ट, येस इट्स गोइंग टू बी फन, बिकॉज थोड़ा अलग हटके कुछ चाहिए होता है। एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर। अब देखिए, अनुपमा की सहेली घर में आई है ना, तो वो जरूर कहेगी अनुपमा से कि भाई तुम्हारे पति पर भी कुछ तो भी असर है उसकी सेक्रेटरी का। लेकिन अनुपमा इस बात से इनकार कर देगी।
और फिर धीरे धीरे उसे खुद ही पता चल जाएगा काव्या और वनराज के रिलेशनशिप के बारे में। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।